फिनो पेमेंट बैंक के CSP चलाने वाले साथियों, आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी वास्तव में बहुत बड़ी है कि अब आप लोग अपनी आईडी को किसी भी कारण से यदि ब्लॉक हो जाती है तो उसे आप खोल सकते हैं। स्वयं सेल्फ आप आईडी को अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर कोई बड़े केसेस या कोई बड़े मामले अगर नहीं हैं तो, यानी ऑफिशियल तौर पर अगर आईडी को ब्लॉक नहीं किया गया है तो आप उस आईडी को खोल सकते हैं। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग 3 बार गलत पासवर्ड डाल देने की वजह से आईडी ब्लॉक हो जाती है। ऐसा अगर हो जाता है तो आईडी ब्लॉक खोला जा सकता है और सारे फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर और मर्चेंट दोनों लोग खोल सकते हैं। अब तक आईडी को खोलने के लिए CSO से RO, ब्रांच मैनेजर या डिस्ट्रीब्यूटर से लोग रिक्वेस्ट करते थे, गिड़गिड़ाते थे आईडी खोलने के लिए और उस पर तमाम सारे बहाने ऑफिस के लोगों के द्वारा या डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा किया जाता था और टाइम पर आईडी नहीं खोली जाती थी। तो ये फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से बहुत ही बेहतर विकल्प लाया गया है। ये कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फिनो पेमेंट बैंक CSP चलाते हों या चलाने में रुचि रखते हों या भविष्य में आप चलाना चाहते हैं तो आपको फिनो पेमेंट बैंक से जैसे जैसे नई अपडेट आएगी वो आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो देखिए, मैं आपके सामने एक PDF खोला हूँ और यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक में कैसे आप आईडी अनब्लॉक करेंगे इसके बारे में पूरा बताया गया है। अबाउट द फैमिली नीड द स्टेटमेंट, किसी भी कारण से यदि आप रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं, मर्चेंट या डिस्ट्रीब्यूटर, और आईडी ब्लॉक हो जाती है तो उसे खोलने के लिए बताया गया कि देखिए यहाँ पर जो है आप उसे आसानी से अनब्लॉक कर सकते हैं। अनब्लॉक करने के लिए आपको जो है अनब्लॉक वाले ऑप्शन पर जाना है। ऑप्शन पर जाने के बाद जो है आपको बायोमेट्रिक लगाना है। तो साथियों, ये कुछ लोगों के लिए परेशानी भरा खबर भी हो सकता है। जो लोग किसी और की आईडी चलाते हैं, वो आईडी उनके नाम से नहीं है, आईडी उनकी ब्लॉक अगर हो जाएगी तो उनको उस आईडी को खोलने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मुसीबत भी आएगी। तो ऐसे में जो है अब जिनके नाम से आईडी है, जिनका EKYC हुआ है, फिंगर लगा हुआ है KYC के समय, वही लोग जो है आईडी चला पाएंगे। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों ने, ऑपरेटरों ने जो है फर्जी आईडी बनाई हुई थी, जो फर्जी फिंगर लगा करके आईडी बना दिए थे फ़ोन पर। अब उन लोगों के लिए जो है ये परेशानी के दिन स्टार्ट हो गए हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक ने बहुत अच्छा विकल्प लेकर के आया, लेकिन कैसे अनब्लॉक होगा इसको प्रोसेस में थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि कैसे इसे अनब्लॉक आपको करना है। सबसे पहले तो जो है आप अपने आईडी को ओपन करेंगे, उसके बाद जो है आप अपने आईडी में अपने बायोमेट्रिक को फिट करेंगे और उसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जो है बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, अनब्लॉक वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जो है अनब्लॉकिंग मर्चेंट यूजर आईडी अन क्लिक नेक्स्ट टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही मर्चेंट नीड द पुश द पासवर्ड इन द स्टार्ट इन द, उसके बाद जो है आपके डिवाइस की लाइट जलेगी और आपको फिंगर लगाना है। फिंगर लगाने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही जो है आपकी आईडी खुल जाएगी। आप जो है इस चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कैसे बताया गया है, क्या क्या मैसेजेस आते हैं तो उसके क्या मतलब होंगे। आप जब आईडी लॉगिन करते हैं और पासवर्ड खोलने के लिए जाते हैं, अगर कुछ ऐसे मैसेज आ जाते हैं जो आपके समझ में नहीं आते हैं, उसके क्या मतलब होते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं आपको अगले वीडियो में एक एक मैसेज का मैं विस्तार से करके बता दूंगा कि इस मैसेज का क्या मतलब हुआ और कैसे उसे जो आपको सपोर्ट लेना है, क्या करना है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में, यानी अगर लैब चलाते हैं कंप्यूटर अगर, तो कंप्यूटर वाले सिस्टम में देखिए आपको जो है यहाँ पर आईडी नंबर जहाँ पर डालना है, डालने के बाद यहाँ अनब्लॉक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके डिवाइस की लाइट, डिवाइस में एक ऐप का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही डिवाइस की लाइट जल जाएगी और आपको फिंगर लगाना है। और यहीं यदि आप मोबाइल से लॉगिन करते हैं, मोबाइल में करते हैं, तो मोबाइल में देखिए इस तरह का ऑप्शन खुल करके आपके सामने आएगा। यहाँ पर आईडी डालेंगे, आईडी डालने के बाद देखिए आपको जो है क्लिक करना है अपना अनब्लॉक वाले पर और उसके बाद इस तरह का ऑप्शन खुल करके आएगा, यहाँ पर आपको फिंगर लगाना है। तो साथियों, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में सहयोग करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा जिससे सबको जानकारी हो जाए कि आप कैसे अनब्लॉकिंग करेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे ज़रूर शेयर करिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, जहाँ पर भी हो सके, जिससे जो है लोगों को जानकारी हो जाए कि अब जो है आईडी ऑनलाइन फिंगर लगा करके जो है आईडी को अनब्लॉक कर सकते हैं, किसी की रिक्वेस्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।